हाँ जी सर सर वेलकम बैक ओके अच्छो गुड आफ्टरनून जी हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं सर रिकवरी कर रहे हैं <laughs> पहले छूटा था उसकी आई होप इसके पहले वाला सेशन आप लोगों ने देख लिया होगा उसके बाद ही आप सेशन के अंदर में आए होंगे बाई दिस टाइम हम लोग बेसिक्स अलाउंसेस परक्विजिट एंड डिडक्शन वाला पार्ट खत्म कर चुके हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर बोलो कौन सा रिटायरमेंट बेनिफिट्स यस ओन नो यस चलो लेट लेट्स गो टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स अब देखो रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितने प्रकार के हैं सुनना रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितने प्रकार के हैं पहला ग्रेचुटी याद आ रहा है क्या पहला क्या था बेटा ग्रेचुटी दूसरा क्या था पेंशन तीसरा क्या था लीव एंड कैशमेंट और चौथा क्या था बोलो वी आर एस एवरीबॉडी yes. तो अगर हम देखें रिटायरमेंट बेनिफिट्स इनमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है इनमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है पहला है वो है ग्रेचुटी ग्रेचुटी इज द मोस्ट आज रिटायरमेंट बेनिफिट उसके बाद में अगर कुछ पूछा जाता है तो वो है पेंशन इसके बाद में कुछ पूछा जाता है तो वो है प्रोविडेंट फंड ये तीन रिटायरमेंट बेनिफिट सबसे बड़े हैं अंडरस्टैंड करिएगा ये तीन रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैसे हैं बेटा सबसे बड़े हैं राइट right? और जो भी पूछा जाता है इसी में से पूछा जाता है आया रिटायरमेंट बेनिफिट्स की अगर बात किया जाए तो पहला कुछ तो गड़बड़ है भाई इसको भी अटेम्प्ट लग रहे हैं मतलब जीवन में ठीक है गिव द हेडिंग लेट मी चेक विद दैट गिव द हेडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट रजिस्टर में जाओ पहला ग्रेचुटी सेकेंड पेंशन तो बड़े बड़े भाई है जिसमें सेकेंड पेंशन थर्ड वी आर एस फोर्थ leave encashment fifth provident fund sixth anyone retrenchment compensation retrenchment compensation यस yes. जाओ सबसे पहले बात करते हैं ग्रेचुटी की ग्रेचुटी क्यों दी जाती है और कौन से सेक्शन में कवर होती है ग्रेचुटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन टेन सेक्शन टेन बराबर है ग्रेचुटी दी क्यों जाती है सीधा जवाब बिकॉज ऑफ ग्रेचुटी एक्ट देर इज एन एक्ट कॉल्ड एज ग्रेचुटी एक्ट विच मेक्स इट मैंडेटरी दी एम्प्लॉयर की वो क्या प्रोवाइड करे ग्रेचुटी प्रोवाइड करे किस को प्रोवाइड करे एम्प्लॉय को ये पहला रीजन है दूसरा कहा जाता है ग्रेचुअटी देने का रीजन क्या है क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से सर्विसेज लेता है अपनी पूरी मेहनत से सर्विस देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में तो उसकी सर्विसेज से खुश होकर के उसे क्या देना चाहिए ग्रेचुटी देना चाहिए हालांकि बोनस भी उसी रीजन की वजह से दिया जाता है पर ग्रेचुटी रिटायरमेंट बेनिफिट विच इज गिवन अब ग्रेचुअटी का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से होता है जो सैलरी होती है उसका ही एक पोर्शन कट कर लिया जाता है और उसके रिटायरमेंट से उसको क्या किया जाता है सेव किया जाता है और जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो लमसम अमाउंट उसके हाथ में पकड़ा दी जाती है हालांकि ऐसा नहीं है कि जो ग्रेचुअटी मिलती है वो रिटायरमेंट पे ही मिलती है ग्रेचुअटी आप ड्यूरिंग द सर्विस भी ले सकते हो इफ यू वॉन्ट आप रिटायरमेंट पे भी ले सकते हो कई बार ऐसा होता है कि अचानक से अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसके मरने के बाद इसके घर वालों को भी मिलता है यानी ग्रेचुटी के रिसीव होने के तीन एस्पेक्ट है कौन कौन से ड्यूरिंग द सर्विस ट आफ्टर दीपेक्ट के टैक्सेशन हमें समझना है ट्यूरिंग द सर्विस अगर कोई भी ग्रेचुटी आपको मिलती है तो यह टोटली टैक्सेबल है चार्ट यहीं पर है तो आप यही से देख सकते हैं ट्यूरिंग द सर्विस अगर कोई भी ग्रेचुटी मिलती है तो यह टोटली टैक्सेबल है आफ्टर द डेथ अगर घर वालों को मिले फ्टर द डेथ लीगल हेड घर वालों को मिले तो यह टोटली एग्जम्ड है दिस इज नॉट लाइबल टू टैक्स यानी हमें मेजर जो ध्यान देना है ये ऑन रिटायरमेंट पर ही ध्यान देना है मेजर जो हमें ध्यान देना है किस पर ध्यान देना है ऑन रिटायरमेंट ऑन रिटायरमेंट अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है तो क्या दो आस्पेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुअटी मिलती है तो यह फुल्ली एग्जम्ड है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुअटी मिलती है तो ये फुली एग्जाम है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो एस्पेक्ट। इज ही कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं कवर्ड अंडर द ग्रेचुअटी एक्ट मतलब इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट बिकॉज हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पे ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है इसीलिए कवर्ड और नॉट कवर्ड ऐसी दो सिचुएशन बनाई गई है इफ ही इज कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट लोअर ऑफ फॉलोइंग विल बी टेकन एज एग्जाम्शन लोअर ऑफ फॉलोइंग विल बी टेकन एज एग्जाम्शन पहला एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव जितना रिसीव हुई पूरा का पूरा वो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव दूसरा फिफ्टीन बाय ट्वेंटी सिक्स इन टू लास्ट इन नंबर ऑफ इज ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देर ऑफ इन एक्सेस अब ये जो फॉर्मूला है, है तो ये इनकम टैक्स का फॉर्मूला नहीं है ये सिक्स इस क्यों इसका डेरीवेशन ये है कि हाफ जो में लिखा हुआ है वो वर्ड है हाफ मंथ सैलरी तो होना चाहिए चार संडे हटाए गए थे

इसको एरो करके लिखिए मां तो पेन नहीं चल रहा यहां एरो करिए इसको एवरेज सैलरी ऑफ टेन मंथ से वहां लिखिए प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट मतलब क्या टेन मंथस एवरेज सैलरी प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट जिस महीने में आपका रिटायरमेंट हुआ है उस महीने को छोड़ दो उसके पहले के 10 months, उसके पहले पहले के के नाउ लेट अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली इफ एन एम्प्लॉय रिटायर इन जनवरी द टेन मंथ सैलरी विल बी मार्च टू डिसंबर समझ में आ रही बात प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट वर्ड यूज तो प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट जिस मंथ आप रिटायर हुए हो उसके पहले के दस मंथ का एवरेज सैलरी अब यहां सैलरी का मीनिंग क्या है फिर से ऊपर जाओ यहां सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्न प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्न ओवर आर यू गेटिंग द पॉइंट चलो वापस से अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है जरा समझिए अगर आप कवर्ड है तो सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए अगर आप नॉट कवर्ड है तो सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्न ओवर आर यू गेटिंग द पॉइंट यस आ जाओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट सुना एक ये कहीं गिरा था क्या सुना तो वहाँ पे आरजी का या किसी और का पेंसिल लेना तो वो लेके आना चार्जिंग तो हो गया ये गिरा है ऊपर से ये मोल्ड हो गया तेरे से या उससे किसी से गिरा ठीक है कोई बात नहीं वो लेके आ ये रहने यहीं पर

टेन मंथ्स सैलरी एंड दैट टू मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस यहां पे बताइए ट्वेंटी आप कितना लेंगे ट्वेंटी आप कितना लेंगे बेटा ट्वेंटी मैक्सिमम लिमिट कितनी है ट्वेंटी लैक्स अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिफरेंस है समझिए सीजनल एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय सीजनल एम्प्लॉय है सीजनल एम्प्लॉय का मतलब क्या है एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अ सीजनल इंडस्ट्री सर व्हाट डू यू मीन बाय सीजनल इंडस्ट्री कैन यू गिव वन और टू एग्जांपल ऑफ सीजनल इंडस्ट्री हाँ

अगर आप नॉन सीजनल है अगर आप नॉन सीजनल ये देखिए इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉय आप क्या लेते हैं भाई इंस्टेड ऑफ 15 यू हैव टू टेक इट 7 तो so 7 बाय 26 हो जाएगा इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉय लेकिन इफ यू आर नॉट कवर्ड इन ग्रेच्युटी एक्ट तो देयर इज नो डिफरेंस इफ यू आर नॉट कवर्ड इन ग्रेच्युटी एक्ट देयर इज नो डिफरेंस ठीक है चलो वापस से एक बार सभी लोग During the service, on retirement, ड्यूरिंग द सर्विस ऑन रिटायरमेंट आफ्टर द डेथ ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल आफ्टर द डेथ नॉट टैक्सेबल ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द under the ग्रेचुअटी है अब कुछ बातें जो हमारे समझने लायक है अगर प्रॉब्लम ने है, बताया नहीं कवर्ड या नॉट कवर्ड तो हम क्या करें नॉट कवर्ड क्या करेंगे बेटा नॉट कवर्ड नीचे लिखो ये यह यहां पे इफ प्रॉब्लम डज नॉट स्पेसिफाई अजूम नॉट कवर्ड इन ग्रेच्युटी एक्ट ज्यूम नॉट कवर्ड इन ग्रेचुअटी एक्टा चलो कवर्ड अंड ग्रेचुअटी एक्ट लोअर ऑफ कितनी चीज रहेगी बेटा तीन पहला क्या रहेगा एक्चुअल दूसरा क्या रहेगा फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इन टू नंबर ऑफ इस ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और एवरेज सैलरी ऑफ टेन सर्विस बराबर है चलो रजिस्टर में जाओ इंपॉर्टेंट है तो लिखना भी पड़ेगा बना पाओगे के चार्ट खुद से चलो ट्राई करो मेरे साथ आप मेरे को बताते जाओ हम दोनों मिलकर बनाते जाएंगे ठीक है ग्रेच्य काश मुझे सेक्शन याद होता टेन टेन ठीक है कितने पार्ट बनाऊं तीन पहले मैं क्या लिखूं ड्यूरिंग द सर्विस आफ्टर द डेथ क्या पकड़ा जाएगा नील during the service taxable to all employee on retirement government employee non government employee government employee fully exempt non government employee do part Covered under the Gratuity Act? Not covered under the Gratuity Act? चलो पहले क्या लिखोगे यहाँ पे एक्चुअल लेस लोअर ऑफ ए एक्चुअल बी 15 by 26 into last drawn salary into number of years of completed service or part thereof in excess of 6 months. See maximum 20 lakhs. कवर्ड है तो पहले क्या ले लोगे नॉट कवर्ड है तो पहले क्या ले लोगे एक्चुअल लेस लोअर ऑफ ए एक्चुअल बी हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ टेन मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट इंटू नंबर ऑफ Years of completed service. E maximum twenty lakhs. ठीक है चलो मीनिंग ऑफ सैलरी लिखो लिखो अगर कवर्ड है नॉट कवर्ड है बोलो कवर्ड है तो क्या लेने का बेसिक प्लस डी नॉट कवर्ड है तो क्या लेने का बेसिक प्लस डी ए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्न ओवर फॉर सीजनल एम्प्लॉय कवर्ड नॉट कवर्ड. एक सेवन बाय ट्वेंटी सिक्स इंस्टेड ऑफ फिफ्टीन बाय ट्वेंटी सिक्स नॉट कवर्ड के अंदर में नो चेंजेस नॉट कवर्ड के अंदर में क्या बेटा नो चेंजेस आओ चलो दिस वॉज ग्रेच्युटी एक से ज्यादा एम्प्लॉज से मिली तो ये मैक्सिमम लिमिट कितने रहने वाली है ट्वेंटी लैक्स इज दट डन चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट इज पेंशन नेक्स्ट पार्ट इज वॉट बेटा पेंशन अगर मैं पेंशन की बात करूं, कम टू द नोट्स अगर मैं पेंशन की बात करूं, सेक्शन कौन सा है टेन टेन ए पेंशन की अगर मैं बात करूं सेक्शन इज सेक्शन टेन टेन ए पेंशन कब मिलती है और किसको मिलती है ऑलमोस्ट बहुत सारे एम्प्लॉइज को मिलती है मेजरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है नो yes पेंशन no? क्या होता है भाई ड्यूरिंग द सर्विस तो मिल ही सकता है आफ्टर द डेथ भी मिल सकता है ऑन रिटायरमेंट भी मिल सकता है 99% रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है पेंशन दो तरीके से मिलता है एक होता है लमसम अमाउंट मिल जाए दूसरा होता है जो मंथली मिलते जाए ठीक है जो लमसम हो गया उसे हम कहते हैं कम्यूटेड पेंशन

और अनकम्यूटेड का मतलब क्या होता है एन्यूटी और अनकम्यूटेड का मतलब क्या होता है बेटा बराबर है मतलब मंथली आपको पेंशन दिया जा रहा है अगर मंथली पेंशन मिल रहा है इट इज टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आपको एन्यूटी मिल रहा है तो ये टैक्सेबल हो जाता है टू ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कभी आपको अपने क्लाइंट को एडवाइस करना है कि पेंशन किस तरीके से ले आप हमेशा उसे एडवाइस करें लमसम ले क्योंकि अनकम्यूटेड पेंशन तो क्या हो जाता है फुल्ली टैक्सेबल चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्यों ना हो अगर ये कम्यूटेड पेंशन है मतलब एक साथ लंबा अमाउंट मिला है तो दो बातें और होंगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में दो बातें होंगी इज ही ऑल्सो रिसीविंग द ग्रेचुटी और नॉट रिसीविंग द ग्रेचुअटी मतलब हमें एक और चीज देखना पड़ेगा इज ही ऑल्सो रिसीविंग द ग्रेचुअटी और नॉट रिसीविंग द ग्रेचुटी मान करके चलिए अगर ये ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा है ग्रेचुअटी रिसीव कर रहा है इससे एग्जम्पन अमाउंट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इज नॉट रिसीविंग द ग्रेचुअटी ओनली वन हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एक्ट वन हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एक्सम्ड अब आप पूछेंगे वॉट डू यू मीन बाई फुल वैल्यू ऑफ पेंशन अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाई परेशन इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं देखिए तीन तरीके के एम्प्लॉय होते हैं और इन तीनों के कैटेगरी को अच्छे से समझना पहला कैटेगरी होता है तुम तीनों के नाम बोल दो भाई दर्शन उदय दर्शन उदय ओंकार तीन कैटेगरी है पहला कैटेगरी होता है दर्शन जो आके कहता है देखो मेरा बुढ़ापा आ गया अब मैं क्या करूंगा मुझे मंथली एक अमाउंट चाहिए आप मुझे मंथली अमाउंट दे दो तो एक कैटेगरी क्या बनती है जो हमसे मंथली मांगेंगे हम टेक्निकल शब्दों में इन्हें क्या कहेंगे अनकम्यूटेड पेंशन इसके हाथ में वो क्या हो जाएगा टोटली totally टैक्सेबल दूसरा आएगा उदय बराबर दूसरा आएगा उदय उदय क्या बोलेगा भैया मेरे को लमसम दे दो मेरे को ये मंथली मंथली कौन देखते बैठेगा हर महीने आए कि नहीं आप एक साथ मेरे को दो तो मेरे को जो करने का है है मैं करेगा बराबर एक साथ लमसम दे दिया कौन सी पेंशन हो गई कम्यूटेड पेंशन उस केस में एग्जामेशन मिल जाएगा बराबर है तीसरा केस है जो सबसे ज्यादा चलता है तीसरा जो केस है ये सबसे ज्यादा चलता है पूछो कैसे वो कहता है देखो मेरे को कुछ अमाउंट लमसम दे देना और कुछ अमाउंट मंथली देते जाना इसमें दो तरफा फायदा होता है किसी भी पर्सन का पूछे कैसे रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़ी नीड्स तो होती नहीं बात समझना आपके मैक्सिमम शौक पूरे हो चुके हैं या अब इच्छा नहीं बच्ची होती है अरे हम ऑन रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं ना मैक्सिमम इच्छा या तो पूरी हो चुकी है या तो उम्र हो चुकी है मतलब क्या ही समझ रहे हो हाँ अब अब वो यू you नो know, अभी जैसे तुम थोड़े से बच्चे थे तुमको काफी क्रेज था लाइफ में रोज डे प्रपोज डे चॉकलेट डे है ना अब तुम क्या बोलोगे जिंदगी रोज ही ले रही है क्या अलग से रोज़ <laughs> तो एक टाइम आता है जब आप थोड़े से मेच्योर होते जाते हो मैं आज सुबह का ही किस्सा बताता हूँ आपको बड़ी गाली पड़ी मेरे को पूछो क्यों ऐसे मस्ती की बात है थोड़ा बीच में होना चाहिए ऐसा है कि मेरे को आज वो ऐसा ग्रुप के ऊपर आया कि आज ये ये डे है मैं तो भूल भी चुका था ये टेंशन ही इतने चल रहे जीवन में ये कौन से डे याद आने यहाँ तो नाइट के पता नहीं चल रहे दे, दे की लगे। तो फिर उसमें आया बोले आज रोज डे है अब अपन उठे अपन ने वो घर का जो गुलाब था उसको तोड़ा लाके दे दिया यही लड़की हाँ यही लड़की कुछ सालों पहले इस बात पे झगड़ा हुआ था कि तेरे को दिन याद नहीं है कि ये रोज डे है कि क्या है जस्ट इन टाइम थोड़ा सा हम आगे आ गए हाउ हाउ यही लड़की जिसने झगड़ा किया था कि तेरे को डे याद नहीं रहते नहीं रहते भाई लड़कों का एक बेसिक प्रॉब्लम है इंपॉर्टेंट चीज वो भूल जाते <laughs> फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग है इंपॉर्टेंट चीज वो भूल जाते लड़कों का बेसिक नेचर है ठीक है आप उसको कोई भी चीज बोलो ये कंफर्म याद रखना वो कंफर्म भूलेगा बराबर है अब यही लड़की जिसने पहले झगड़ा किया था यही आज झगड़ा कर रही वापस तोड़ के आया शांति से रहना चाहिए ना मैंने ला करके रोज दे दिया अब कितना अच्छा माहौल हो सकता था अगर हम निभा निभी होते तो अगर हम निभा निभी होते तो मैडम अक्कल नाम की चीजें को मैंने बोला क्यों तू रोज तोड़ के लेके आया है बच्चा ही क्या बोला अरे पागल तेरे को दे रहा ना मैं दिमाग खराब है? यही से दिखा देता है रोज़ दे। एंड सेस तू बदल गया। अरे मैं क्या बदला बोले मेरे को गमला दिखा देता अगर मैंने नहीं लाया होता और गमला दिखाया होता तो क्या बोलती इतने एफर्ट्स नहीं ले सकता क्या उठ के जा दे तोड़ दे दूसरा आ जाएगा देखा काफी दोगला पड़ लाइफ में आज सुबह की ठीक है और उसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन आया मेरे को अगली बार से मेरे गमलों को हाथ लगाया थ्रोन आउट ऑफ माई हाउस मैंने कहा थैंक यू मेरे को समझा नहीं इस बात पे मैं खुश हुई या नाराज अरे <laughs> <laughs> ऐसा कौन करता है यार लाइफ में ऐसा कौन करता है लाइफ में चलो खैर ठीक है अगर आप कवर्ड है कहाँ बेटा एक्ट के अंदर में तो वन थर्ड ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जाम तीसरा कैटेगरी सबसे ज्यादा चलता है लेट्स से इसको पेंशन मिलने वाला है ट्वेंटी थाउजेंड अब इसको पता है यार ये रिटायर हो चुका है मैक्सिमम इच्छा है, पूरी हो चुकी है इसका खर्चा फाइव थाउजेंड में भी हो जाएगा तो ये क्या करता है कंपनी को बोलता है कि आप एक काम कीजिए आउट ऑफ होल अमाउंट जो पंद्रह हजार है आप उसको कम्यूटेड में डालिए मतलब आप मेरे को ये लमसम दीजिएगा और इसके बाद में मेरे को आप क्या कीजिए सिर्फ फाइव थाउजेंड ही मंथली दीजिएगा तो ये क्या हो गया पार्टली कम्यूटेड एंड पार्टली मंथली समझ में आया तो आप क्या करते सर्टन परसेंटेज ऑफ योर पेंशन क्या कर देते कम्यूटेशन कम्यूटेशन में में डाल देते दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज ऑफ समझ आई बात 99 लोग तीसरा कैटेगरी फॉलो करते हैं जहां पे वो क्या करते हैं सर्टन अमाउंट लमसम में शिफ्ट कर देते और सर्टन अमाउंट एन्यूटी में शिफ्ट कर देते ताकि उनका दोनों काम हो जब रिटायर हो एक लमसम अमाउंट भी मिल जाए और रिटायरमेंट के बाद हर मंथ खर्चा चलाने के लिए एक पेंशन भी मिलती रहे बरे बरे। अब सोचिए तीसरे कैटेगरी में क्या होगा तीसरा कैटेगरी जो है उसमें एक अमाउंट मिल रही होगी विल totally मिलेगा, मिलेगा? मिलेगा कितना मिलेगा अगर ग्रेचुअटी मिली है तो वन थर्ड ग्रेचुअटी नहीं मिली है तो वन हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन वैल्यू ऑफ पेंशन कैसे निकालते हैं उंट रिसीव नो चलिए पेंशन जो मिल रहा है चलिए है चार्ट वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं ड्यूरिंग दिटायरमेंट आफ्टर द डेथ ड्यूरिंग द सर्विस मिला तो क्या होगा टैक्सेबल

रजिस्टर में जाइए लिखिए पेंशन रिफर नोट्स स्पीड अप। इज दैट डन नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट के ऊपर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन टेन टेन बी अब क्या होता है ये रिट्रेंचमेंट मान लीजिए मान लीजिए ये अपना दर्शन ही एक दिन मस्त काम कर रहा था अचानक इसकी बॉस आई बॉस आकर के बोलती है दर्शन यू आर फायर्ड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन कल से आप काम नहीं करेंगे दर्शन बोलते क्या 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 जब चार रख लिया जब चार निकाल दिया मैं कोई प्लग हूँ प्लग जब चार रख लिया जब चार निकाल दिया मेरा भी घर बार बीवी, बच्चे है ऐसे कैसे आप निकाल सकते हैं ये बोले नहीं ऐसे कैसे निकाल सकते इट्स माय कंपनी यू आर फायर मैडम मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा और केस फाइल करूंगा कंपनी के खिलाफ आपने देखा कई बार कंपनी इसमें न्यूज आती है कि ले हुए हैं अचानक से आप सोच करके देखिए कोई एम्प्लॉई अपना सब कुछ प्लान करता है आपके हिसाब से कि मेरे को हर मंथ इतना आएगा तो मेरा घर का ई एम आई इतना होगा मेरा ये इतना होगा मेरा वो इतना होगा वो प्लान करता है अचानक वन फाइन डे आउट ऑफ नोवेयर आपको पता चलता है कि भैया आपको डिबार कर दिया ये तो ऐसा हुआ रिजल्ट के दिन अनफेयर मीन्स लिख के आ गया एंड यू डोंट नो वॉट अनफेयर मीन्स यू डिड समझ में आया सोचो आज किसी का रिजल्ट स्टक हो गया वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा मैंने किया क्या है समझ तो में ही बात तो वो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा अब ऐसे केस में जो लेबर होता है उसके पास एक राइट होता है एज पर द लेबर लॉ कि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट दिस एबड्रप्ट रिमूवल और इस केस में वो कंपनसेशन डिमांड कर सकता है इस कंपनसेशन अगर उसको मिल जाता है तो ये कंपनसेशन को कहा जाता है कंपनसेशन लॉजिक समझ में आया इसके पीछे तो कई बार अगर आपको एब्रप्टली बाहर निकाल दिया जाए तो यू हैव अ राइट टू फाइल अ सूट इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बॉस मेरे को एब्रप्टली बाहर निकाल दिया इससे मेरा घर बार बीवी बच्चे ये सब तकलीफ में आ गए हैं मुझे चाहिए कंपनसेशन अपने को मंगता पैसा समझ में आई बात अब अगर ये केस जीत गया या ऐसे नंबर ऑफ पीपल ये केस जीत गए कंपनी टू पे दम द कंपनसेशन दिस कंपनेशन इफ रिसीव्ड विल बी कॉल्ड एज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन समझ में आई बात अब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम के तहत मिला है तो टोटली नील अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम के तहत मिला है तो टोटली नील अगर अदर्स है तो लोअर ऑफ थ्री थिंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन पहला एक्चुअल दूसरा मैक्सिमम लिमिट फाइव लाख दूसरा मैक्सिमम लिमिट फाइव कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अब ये अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्यों क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ही आपको राइट देता है कि आप क्या करें सूट फाइल करें तो जो भी अमाउंट कोर्ट ने डिसाइड की है एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वो आपको प्रॉब्लम में दी होती है पुट द द वैल्यू गेट आंसर तो लोअर ऑफ थ्री थिंग पहला एक्चुअल दूसरा मैक्सिमम लिमिट फाइव लाख तीसरा अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोलो मेरे साथ एक बार एवरीबडी लोअर ऑफ थ्री थिंग पहला दूसरा मैक्सिमम लिमिट फाइव लाख तीसरा अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्लियर है भैया चलो जी भैया अब आते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैसे निकाला जाता है अब एक बार इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है कि ये प्रॉब्लम तो दे दिया

एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट थ्री मंथ्स इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देर ऑफ इन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ्स यहां सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट पर ये डिस्प्यूटेड भी है कुछ बुक्स यहाँ पे बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्न भी लिखते हैं पर ये डिस्प्यूटेड मैटर है इसीलिए वो लोग क्या करते हैं डायरेक्टली अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट देते और काम खत्म कर देते हैं यस अच्छा जी चलो मेरे साथ एक बार तीनों रिवाइज करोगे क्या अब तक जो पढ़ा लेट्स रिवाइज सबसे पहले ग्रेचुटी यू कैन यूज योर हैंड इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ चार्ट अपने इमेजिनेशन में ड्यूरिंग द सर्विस ऑन रिटायरमेंट आफ्टर द डेथ ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल आफ्टर द डेथ नॉट टैक्सेबल ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट

चलो बाजू करो पेंशन पेंशन के तीन पार्ट ड्यूरिंग द सर्विस आफ्टर द डेथ ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल आफ्टर द डेथ टैक्सेबल इन आई एफ ओ एस ऑन रिटायरमेंट कम्यूटेड अनकम्यूटेड अनकम्यूटेड इज टैक्सेबल टू ऑल कम्यूटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेच्युटी नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेच्युटी एज पर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्जाम अदर्स केस में लोअर ऑफ थ्री थिंग पहला एक्चुअल दूसरा मैक्सिमम लिमिट फाइव लैक तीसरा अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्लियर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैसे निकालते हैं वो यहां पे लिखा है मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि डिस्प्यूटेड होता है तो वो देते नहीं डायरेक्ट अमाउंट दे देते है. काम खत्म एवरीबॉडी यस चलो रजिस्टर में लिखो रिट्रेंचमेंट रिट्रेंट कंपनेशन नोट्स नोटिफ्टी से जमेंट तो होगा ही वन टाइम ना एक ही आदमी को बार बार कैसे निकालेंगे मतलब वो बाई डिफॉल्ट में वन टाइम ही होता है ऐसा नहीं होता जी नेक्स्ट इज वी आर एस अगेन एग्जाम्पन्ट ऑफ यू नॉट सो इंपोर्टेंट कैटेगरी नॉट सो इंपोर्टेंट कैटेगरी क्योंकि इस बार पीएफ में पूछने लायक बहुत कुछ है एंड लीव एंड कैशमेंट में अमेंडमेंट है तो इस अटैम्प्ट के लिए वी आर एस इंपॉर्टेंट नहीं है लीव एंड कैशमेंट इम्पोर्टेंट है आपको मैं उन्हें पहले भी लिखा के दिया है चेक कर लीजिए यानी इम्पोर्टेंट की लिस्ट पहले भी लिखा के दी है अदरवाइज मैं हर साल वी आर एस को इंपॉर्टेंट बोलता हूँ इस साल के लिए लीव एंड कैशमेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अमेंडमेंट है मॉनिटरी लिमिट की अमेंडमेंट है समझ तो में आ रही है बात चलो नेक्स्ट वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम आर एस इसका टाइम मिलता है राइट right? आप दो बार नहीं ले सकते, इज़ अवेलेबल वंस इन अ लाइफ टाइम नीचे लिखा है चेक अच्छा जी वी आर एस का मतलब क्या है आदमी खुद काम छोड़ देता है अस अंडरस्टैंड ऐसा कई बार ऐसा होता है आदमी एक तरह का मोनोटोनस जॉब कर करके परेशान हो जाता है रिटायरमेंट का एज सिक्सटी है कंपनी हर साल क्या करती है इज्जत से निकालती है समझ में आई बात वो हर साल दो साल में क्या लेके आती वी आर एस स्कीम लेके आती और ऐसे सारे एम्प्लॉय जिनका मन भर चुका है मतलब यू नो वो एम्प्लॉय बीस साल से काम कर रहा है वो बोलता है यार मैं तीन चार साल और काम कर लेता हूँ रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेके जाऊंगा कंपनी बोलती है यार इस आदमी के चक्कर में मैं कोई नया टैलेंट हायर नहीं कर पा रहा और कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही पर मैं उसको निकाल नहीं सकता बीस साल से बेचारा काम करते आया है ये सर नो मैं नए टैलेंट के चक्कर में अब उसको थोड़ी निकाल जो तो बीस साल से मेरे यहाँ काम करते आया है तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करती कंपनी लेके आती वी आर एस वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम बोलती है हम आज ही आपको कंपनसेशन दे देंगे आप जितना काम करने वाले हो उसका प्लस आप रिटायरमेंट अदर बेनिफिट्स के लिए भी एलिजिबल होंगे आप थोड़ा जल्दी चले जाओ समझ में आ रही है बार वैसा नहीं होता जैसे मम्मी पापा बाहर गए अचानक काम वाली दीदी भी आपके घर पे आती है एंड यू हैव सम डिफरेंट प्लान्स तो आप उनको बोल देते हो कि नहीं नहीं दीदी आज आज सब ऐसा कुछ खराब किया ही नहीं है तो आप थोड़ा जल्दी चले जाओ ऐसा कुछ नहीं है तो बस वैसा ही आप उनको बस प्यार से इज्जत से बाहर निकालते हो पेमेंट दे करके कि सर ये लीजिए पेमेंट और आप पहले रिटायरमेंट ले लीजिए वॉलेंट्रिल आप क्या कर लीजिए रिटायर हम आपको निकालें उससे बेहतर तो ये आप खुद होके चले जाओ अच्छा जी सर अब वी आर एस में आप क्या देते हो कॉम्पनसेशन देते हो क्यों क्योंकि तीन साल तक के वो काम करेगा का उससे बेटर उसको आज निकाल दो कंपनी को क्या फायदा है यार कंपनी को आप बोलोगे यार कंपनी को तो वैसे भी पेमेंट लग रहा है तो कंपनी को क्या बेनिफिट है भाई डिडक्शन तो मिल ही रहा है ना दूसरी बात जो नया एम्प्लॉय हायर करोगे वो मच टैलेंटेड होगा उससे ज्यादा पैसा बना लोगे इमेजिन कोई व्यक्ति अगर कई सालों से काम कर रहा है और कोई व्यक्ति बिल्कुल नया नया आया है तो नया नया आया है उसकी भूख कभी भी ज्यादा रहेगी काम करने की मेरी बात समझ ना उसकी बुक कभी भी ज्यादा रहेगी काम करने की वो बोलेगा यार मैं कम पैसे में भी काम करने को जाओगे का का तो तो साढ़े तीन साल की गरीबी है कुछ तो मिल रहा है बराबर है एज कंपेयर टू दैट अस एथीस ऑफ एक्सपीरियंस उसको पैसे का कोई काम रहेगा क्या उसने जितना जो कुछ सोचा था उससे कई गुना मल्टीप्लाई में मिल चुका होगा अब वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा तो वो क्या करता शानदार वी आर एस लेता और काम खत्म sure कर देता है कहीं पर भी नहीं होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए रिलायंस से निकाला और जियो में फिट कर दिया बराबर है ऐसा नहीं होना चाहिए रिलायंस से निकाला जियो में फिट कर दिया वो सेम मैनेजमेंट में नहीं जाना चाहिए दोबारा नहीं तो एक ही कंपनी दो दो बार डिडक्शन लेगी इज बरे बरे, तो सम बेसिक कंडीशन राइट कि भैया एक दूसरा यह वेकेंसी फिलअप नहीं होना चाहिए मतलब आपको कोई दूसरा व्यक्ति ही वहां पे क्या करना होगा खड़ा करना होगा वी आर एस से ओवरऑल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय है कंपनी में वो क्या होने चाहिए रिड्यूस आप बाद में जाके रिक्रूट कर लो अलग बात है अभी ओवरऑल क्या होना चाहिए रिडक्शन होना चाहिए कितना रिडक्शन मिलेगा लोअर ऑफ थ्री थिंग पहला एक्चुअल दूसरा मैक्सिमम लिमिट फाइव लैक्स मैक्सिमम लिमिट

जबकि आप अपना ही मॉड्यूल देखोगे उन्होंने लोअर ऑफ फोर्थिंग कर रखी है One, two, three, ऐसा लोअर ऑफ कर रखी है बट अगर आप एक्चुअल देखोगे और अगर आप कई रेफरेंस बुक भी देखोगे तो उसके अंदर में यहाँ पे इन दोनों में का हायर और इन तीनों में का लोअर लिया गया है तो हम वो फॉलो कर रहे हैं वो स्कूल ऑफ थॉट फॉलो कर रहे हैं तो पहला एक्चुअल दूसरा फाइल है तीसरा लास्ट ड्रॉन सैलरी सैलरी मतलब क्या बेटा बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर ओवर इन टू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस इन टू थ्री या फिर लास्ट ड्रॉन सर्विस इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फॉर सर्विस अब ये कैसे निकालते बैलेंस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फॉर सर्विस अंडरस्टैंड एज ऑफ रिटायरमेंट आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि कंपनी में एज ऑफ रिटायरमेंट कितनी है लेटेस्ट से एज ऑफ रिटायरमेंट इज सिक्सटी बराबर है एम्प्लॉय की एज जब वो रिटायर हो रहा है लेट से फोर्टी फाइव वो फोर्टी फाइव में ही रिटायर होना चाहता है जैसे आप लोगों का थॉट है भैया तो थोड़ी ज़िंदगी मिली है जिसमें से बीस तो बहुत बर्बाद कर दिए बराबर है चालीस के आगे कुछ होने नहीं वाला तो बीस से चालीस में जो करना है कर लो लाइफ के अंदर में एक थॉट होता है और वैसे भी अगर बात करें अगर हम जिस कैटेगरी वाले लोग हैं हम सब ये चाहते हैं भैया फोर्टी फोर्टी फाइव में हम, हम हमारे काम को आराम दे देंगे बचे हुए लाइफ के कुछ अदर पर्पजेज है वो पूरे कर लेंगे आई एम श्योर हम सबका कुछ ऐसा ही होगा राइट अब मुझे बताइए बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स कितने बचे 15 ईयर्स इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मंथ से अब बताओ बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए 180 ये निकलेगा बैलेंस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फॉर सर्विस समझ में आई तो एज ऑफ रिटायरमेंट इन द कंपनी माइनस एम्प्लॉ करंट एज जो बचा उसको नंबर ऑफ मंथ्स में आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है तो हमने इन टू बारह कहाँ से किया एक साल में कितने मंथ्स होते हैं बेटा बारह अभी कुछ भी हो सकता है अब आप समझिए ये हो सकता है फिफ्टीन मंथ्स एटीन मंथ्स सर मान लीजिए फिफ्टीन मंथ्स ट्वेल्व डेज फिफ्टीन मंथ्स ओनली कम्प्लीटेड मंथ्स लेने हैं ओनली हमें क्या करना है कम्पलीटेड मंथ पर इंस्टीट्यूट ने आपको आज तक इस पर टेस्ट नहीं किया वो हमेशा कम्प्लीट ईयर देते सिक्सटी का इतना था फोर्टी फाइव था इतने ईयर बचे इसको में कन्वर्ट कर दो मंथ्स ठीक है तो आपका सोचना गलत नहीं है पर इंस्टीट्यूट ये नहीं पूछता चलो जल्दी से लोअर ऑफ थ्री थिंग पहला क्या बेटा एक्चुअल दूसरा क्या बेटा फाइल है तीसरा अमाउंट हायर ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी इन टू थ्री इन टू नंबर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस दूसरा लास्ट सैलरी टू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फॉर सर्विस इन दोनों में का हायर और इन तीनों में का लोअर विल बी ट्रीटेड एज एंड अमाउंट विल बी टैक्सेबल ये एमसीक्यू में पूछेंगे इफ असेसी क्लेम्स एटी नाइन वन फॉर वी आर एस देन ही कैनॉट क्लेम एग्जामिशन अंडर टेंटेन सी अगर एस एस सी ने टेंटेन सी क्लेम कर लिया मतलब ये एग्जामिशन क्लेम कर दिया तो फिर रिलीफ अंडर सेक्शन एटी नाइन वन अवेलेबल नहीं है तो फिर रिलीफ अंडर सेक्शन एटी नाइन वन अवेलेबल नहीं है इज दट डन चलो जी बहुत बढ़िया हाँ जी कोई बात बोला भाई टेंटेंसी लिया तो रिलीफ नहीं मिल पाएगा बात तो एक ही हुई ना ऐसे लिया वैसे ले इन शॉर्ट टेंटेंसी या एटी नाइन वन कोई भी एक ही मिलेगा ओके वाई नॉट गाइस प्रॉब्लम नंबर थ्री सॉल्व करो क्या है मैं आपको बहुत ज्यादा थ्री पढ़ा दूंगा बहुत सही टाइम चल रहा है आप बिल्कुल सो जाओगे है ना तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा तो तुम सही लाइन पे रहोगे मैं बिल्कुल अपने आप को ही आप में देखता हूं चलो प्रॉब्लम नंबर थ्री कितने मिनट चाहिए साइज देख के बता दो प्रॉब्लम का साइज देख के बताओ कितने मिनट में सॉल्व कर सकते हो साला यार हद होती है आई थिंक टेन मिनट वुड बी सफिशियंट ट्राई टू सॉल्व इट इन टेन मिनट्स प्रॉब्लम नंबर थ्री डे यू गो आज रिजल्ट आएगा फाउंडेशन okay. के रिजल्ट को लेके बेचारे इतने पैनिक हो रहे हैं ठीक है रिजल्ट रिजल्ट होता है इंटर वालों को पता है क्या है अब ये लोग रिजल्ट का टेंशन ही छोड़ चुके यह पेपर देके पता चल जाता है होना क्या है <laughs> चलो जल्दी से कैलकुलेटर का क्या नाम नाम कुछ नहीं है मैंने इसको मलेशिया से लिया था तो कुछ मलेशिया से लिया था अच्छा लग रहा मेरे को बहुत क्यूट लग रहा था तो ये मेरे कलर को मैच नहीं करता फेमिनिस्ट लगता है ठीक है मेरे को बहुत क्यूट लग रहा था तो वो मैं लेके आ गया था मेरे को नाम खुद भी नहीं मालूम तुम मेरे कैलकुलेटर कॉन्सेप्ट शिफ्टिंग आउट ऑफ 115 बीएसी ग्रेड पे वाला क्वेश्चन है ट्राई करो गलत होगा चलेगा Should I start? मच गुड क्वेश्चन ट्राइट कोई प्रॉब्लम नहीं गलत होगा चलेगा Is your basic salary coming to two lakh forty three thousand? Everybody, yeah. that's twenty thousand into nine and twenty one thousand into three. Your DA should be twenty four three hundred. बोनस शुड बी ट्वेंटी वन थाउजेंड दार्च सैलरी एवरीबडी ही कॉन्ट्रीब्यूट फिफ्टीन परसेंट ऑफ पी एच डी ए टर्ड ही कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट रिकोग्नाइज प्रोविडेंट फंड दो वी आर येट टू लर्न दिस बट स्टिल हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ के तो आए ही है रिकोग्इज प्रोविडेंट फंडीन परसेंट ऑफ सैलरी पे लिखा है पे एंड डी ए मतलब क्लियर कट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट ये प्लस ट्वेंटी फोर थ्री हंड्रेड इन टू फिफ्टी फोर्टी थाउजेंड नाइन्टी फाइव दैट इज ऑफ बेसिक प्लस डी ए ऐसा खुद प्रॉब्लम नहीं करने बोला है लेस अप टू ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी

बराबर है इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बनाएंगे ठीक है फिर लैपटॉप फैसिलिटी दिया क्या पकड़ू बोलो नील बेटा लैपटॉप दिया या सेल किया दिया ना ठीक है कंपनी रिम्बर्स्ड मेडिकल बिल रिम्बर्स किया है बताओ क्या करूं मेडिकल बिल रिमबर्स sajar. monthly salary 1000 of a housekeeper is reimbursed by the company housekeeper salary everybody gift voucher now there are two treatments for it first let's tax the whole 10000 everybody are you getting the point everyone Convenience allowance, convenience allowance, twelve thousand. But so it spends for official purpose. Convenience allowance is totally taxable. Nothing, nowhere mentioned that if expended for official purpose, we will exempt it. Totally taxable. Personal accidental policy Nil Telephone allowance Is it six thousand? Check. सर ग्रेड पे कैसे आया ये बता दो एक बार वाह बेटे क्या तकलीफ़ है लू बिता दें एक एक दो हज़ार तेईस को उसने ज्वाइन किया होगा जब उसकी सैलरी ट्वेंटी थाउजेंड होगी एग्जैक्ट एक, एक साल बाद उसकी सैलरी एक हज़ार से इंक्रीज हुई होगी आपका प्रीवियस ईयर है एक चार दो हज़ार तेईस से लेकर के इकतीस तीन दो हज़ार चौबीस तो बीस हजार इंटू नौ एंड इक्कीस हज़ार इंटू तीन ये ऐसे आया ठीक है नेक्स्ट एक्सीडेंटल पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सीडेंटल पॉलिसी टैक्सेबल टेक्सेबल में नहीं आता मेडिकल में देखा है अपन ने कहा देखा है अपन ने आई थिंक इट इज डन अब एक ही चीज बचती है कौन सी आर एफ एरए इज इट टेकन ऑन लीज बेटा इज इट टेकन ऑन लीज लीज है तो परकोजिट कैसा होता है लोअर ऑफ पहला एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर

basic plus da plus bonus plus commission plus all taxable allowance. basic 2 lakh 43,000. since da is forming part of retirement, 24,300. bonus covered yes, 21,000. oh yeah, commission not given. plus 6,000 as telephone allowance. इज देर एनी अदर अलाउंस कन्वीनियंस भी है हाउस कीपर का परक्विजिट अलावेंस नहीं हाउस कीपर दिया है थर्टी सिक्स थर्टी एवरीबड डी तो हाँ, तो हाँ. कोई तो हां कुछ तो हां नहीं कुछ तो बोल दो सालो पक्की बात कोई Is that done? Over, done What is the total two like 43 plus 24, 300 plus 21 plus 9, thirty-six thirty twenty-five. 36, 30,

ठीक है? अब देखो एक चीज यहां पे हो सकती है एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन बताता हूं आपको तो वैसे यहां पे ये न दिया हो कि कन्वीनियंस अलाउंस इज फॉर ऑफिशियल पर्पज है एक चीज लिया जा सकता है कि भैया कन्वीनियंस अलाउंस को प्योरली ऑफिशियल पर्पज मान करके आप उसको नील ले सकते हो इंस्टीट्यूट ये भी कर सकता है ये मान के चलना पर हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि अलाउंस ऑफिशियल कन्वीं के लिए दिया होगा तो नील पर एक जनरल ये भी बनता है इफ समथिंग इज गिवन फॉर ऑफिशियल एंड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लाइंट नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय तो आप उसको एग्जम्शन ले सकते हो एंड अकॉर्डिंगली फिर आंसर क्या हो जाएगा डिफर हो जाएगा समझ में आ रही बात तो एक पॉइंट नीचे लिख के रखिए कन्वींस अलाउंस इज टोटली टैक्सेबल Convenience allowance is totally taxable. However, one can have an assumption. However, one can have an assumption that since it is for official purpose. it may be exempt and answer will change accordingly is that done malik एक और नोट लिखो गिफ्ट पे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इन केस ऑफ गिफ्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इन केस ऑफ गिफ्ट इन केस ऑफ गिफ्ट ओनली द डिफरेंशियल वैल्यू Only the differential value, rupees 5,000, could be taxed. Then, बिल्कुल सही एम्प्लॉय ने जो आरपीएफ किया है मैं उसकी सैलरी में ऐड कैसे कर दूँ उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना तो उसका डिडक्शन मिलना चाहिए ना ए सी में यस yes? फिर भी लिखो तुमको ये पॉइंट आया तो देश में बहुत लोगों को आ सकता है लिखो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन Will be reduced while computing total income. Is that done? Shall we? beta नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं हैं लीव सैलरी इसके ऊपर चल रहे हम लोग लीव सैलरी पहला क्या पढ़ लिया बेटा ग्रेचुअटी दूसरा क्या पढ़ लिया पेंशन तीसरा क्या पढ़ लिया चौथा किस पॉइंट लीव सैलरी पांचवा किस पॉइंट पे आ रहा है सर आपने पच्चीस हजार एड क्यू किए मेडिकल में बेटा रीइंबर्समेंट टोटली टैक्सेबल है हम पढ़ के आए हैं कैसी बातें कर रहे हो सर पर्सनल एक्सीडेंटल प्रीमियम आपने क्यों एग्जम्ट किया मेडिकल जाकर के एक बार पढ़ लो बेटा आपको समझ में आ जाएगा उसमें पर्सनल एंड अदर एक्सीडेंटल पॉलिसी को एग्जम्ट किया गया है सर एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ वो पहले सैलरी में एड क्यों नहीं किया एम्प्लॉयर से मिलेगा तो सैलरी में एड करोगे ना खुद कांट्रीब्यूशन खुद की सैलरी में एड करके टैक्स बढ़ाओगे क्या सर गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एक्सम्ट नहीं होगा मैरिज एनिवर्सरी और मैरिज एक ही दिखता है तेरे को मैरिज <laughs> में आदमी एक्साइटेड रहता मैरिज में एनिवर्सरी में नहीं <laughs> अरे मतलब मैरिज <laughs> एनिवर्सरी <laughs> <laughs> पे कौन एक्साइटेड होता है भाई यस yes. कुछ भी सवाल पूछते हो यार तुम इतना पढ़ा है उसके बाद भी। चलो लीव सैलरी क्या होती है अरे तुम लोग लो बिजनेस के लिए बने हो रे तुम सिर्फ जॉब के लिए थोड़े बने हो ऐसे अपने आप को एक ही तरफ से देखना बंद करो सुनो अब मान लो तुमको एनी जॉब मिल गया ठीक है सपोज आईटी में मिल गया और सैटरडे संडे खाली मिल गया तुम वो कैटेगरी के लोग हो जिनको छुट्टी की आदत नहीं है और अचानक छुट्टी मिल जाए तो बावले हो जाओगे तुम बोलोगे करना क्या है बराबर है कि नहीं तुम कि साला करना क्या है कैसा होता है पहले जब तक की क्लासेस चलती रहती है तुम इतने ज्यादा बिजी होते हो तो, तो, तो तुमको लगता है एक दिन की छुट्टी मिल जाए यार और जब सारे टीचर तुमको छोड़ देते जाओ घर जाओ तो तुम परेशान हो जाते करना क्या है अब ऐसा थोड़ी ना होता ये हमको कैसे छोड़ सकते हैं संडे अचानक से छुट्टी मिल जाए छुट्टी क्या होती है ये कैसे हो सकती है हमारे को नहीं नहीं है गलत आदमी दो बार चेक कर लेते हैं छुट्टी है क्या सही है कि नहीं है अब तुमको सैटरडे संडे छुट्टी दे दिया तुम बोलोगे मैं करूँ क्या दोस्त बने नहीं जो बने थे वो सी ये बने नहीं <laughs> बराबर है तीसरा ये कोर्स इतना अच्छा था कि कोई और कुछ बना नहीं मैं छुट्टी का करूँ क्या बराबर है और कोर्स इतना प्यारा था कि तुम्हारे कोई शौक पानी में नहीं बरबर है की नहीं ले देखे तुम्हारे शौक पानी भी नहीं तैयार वेर होना तुमको आता नहीं सब भूल चुके इन शॉर्ट वॉट इज योर अटायर बर्म्यूडा टी शर्ट गेम ओवर दिस इज योर अटायर दैट्स हाउ यू वर्क अब तुमको अगर छुट्टी मिल जाए तो तुम उस छुट्टी को तो लोगे नहीं तुम उसके जगह पे बोलोगे मैं एक काम करता हूँ काम ही कर लेता हूं अब अगर मान लीजिए छुट्टी है छुट्टी पे तुमने छुट्टी ना लेकर के काम कर लिया तो दैट्स इज काउंटेड एज ओवर टाइम बराबर है और ऐसी लीव के तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं एक या तो तुम इसके जगह पे लीव ले लो या ये सब याक्यूमुलेट करते जाओ और रिटायरमेंट के टाइम पे एक साथ आप क्या ले लो पैसे ले लो इस लीव के बदले में तो दो ऑप्शन है मैं आज सर काम कर लेता हूं मेरे को चार दिन बाद जाना है मैं तब लीव लूंगा एक इस तरह से आप सेट ऑफ कर दो दूसरा सिचुएशन क्या है मैं सारी लीव अक्यूमुलेट करते जाऊंगा जिस टाइम मेरे को जरूरत होगी मैं लूंगा आर यू गेटिंग द पॉइंट जिस टाइम मेरे को जरूरत होगी मैं ले लूंगा इसको क्या कहा जाता है ऑफ ऑफ लीव लीव और इस accumulation of leave के बदले में आपको क्या मिलता है पैसा आप इसे एनकैश करवा लेते हो बराबर है अब ये ड्यूरिंग द सर्विस मिला टोटली टैक्सेबल ड्यूरिंग द सर्विस मिला बेटा टोटली टैक्सेबल आफ्टर द दे डेथ ऑफ एम्प्लॉय मिला नॉट टैक्सेबल आफ्टर द दे डेथ ऑफ एम्प्लॉय मिला क्या बेटा नॉट टैक्सेबल एट द दे टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला

पहले यहां पे हुआ करता था फाइव लाख ,00 इसे कर दिया गया है ट्वेंटी फाइव लैक्स पहले हुआ करता था फाइव लाख ,00 इसको कर दिया गया है ट्वेंटी फाइव लैक्स लीव क्रेडिट फॉर थर्टी डेज चलिए इसे बनाते हैं पहले रजिस्टर में जाओ लीव एंड कैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस Taxable on retirement after the death. बोलो ऑन रिटायरमेंट कैसे करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो फुल्ली एग्जाम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो लोअर ऑफ फोर थिंग Sir, can we take gift into IFOS? No. It is received from employer. You have to take it here only. Yes. T. T. Bolo. Leave credit for 30 days. लीव क्रेडिट फॉर थर्टी डेज डन अभी लीव क्रेडिट फॉर थर्टी डेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है देखिए लीव क्रेडिट फॉर थर्टी डेज लीव क्रेडिट ऑलरेडी गिवन, तो लीव क्रेडिट दैट इज बैलेंस लीव Into average salary divided by 30. देखिए कई प्रॉब्लम में बैलेंस लीव ऑलरेडी दी हुई होती है तो आप ले लो बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय थर्टी बैलेंस लीव नॉट गिवन तो सबसे पहले आप देखो नंबर ऑफ लीव्स अलाउड इसमें से माइनस करो लीव ऑलरेडी टेकन ये बन जाएगी बैलेंस लीव फिर वही फॉर्मूला लगा देना बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय थर्टी is this done चलो जी अब समझिए नंबर ऑफ डेज लीव अलाउड लीव अलाउड कितनी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन टू तो ऑर्गेनाइजेशन लीव अलाउड बदल सकती है डू यू अग्री यस देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो लीव कितनी देते हैं yes. पहले ये समझते हैं आज पर लॉ कितनी है एस पर लॉ आपको 30 डेज का पेड लीव अलाउड है एस पर लॉ आपको 30 डेज का पेड लीव अलाउड है पेड लीव क्या है भाई कि भैया जहां पे आप सिक लीव ले सकते हैं तो एक हो सकता है मोर देन 30 डेज बराबर है ना एक हो सकता है प्योर 30 डेज और एक हो सकता है लेस देन 30 डेज पक्की बात अगर 30 डेज या लेस देन 30 डेज है आपको क्या लेना है एक्चुअल और अगर थर्टी डेज से ज्यादा है यू हैव टू टेक डेज इन ईच ईयर लेट मी टेल यू द डिफरेंस लेटमी सैटरडे और संडे भी छुट्टी मिलती है इनस्टेड ऑफ जस्ट संडे अब सैटरडे की जो छुट्टी मिल रही है आपको ये तो यानी मोर देन थर्टी डेज की लीव हो गई आपकी यू हैव टू टेक थर्टी डेज ईच ईयर ओनली जब आप नंबर ऑफ लीव अलाउड करते रहेंगे तो लेट से बीस साल काम किया है तो आप क्या करेंगे इवन दो आपको 30 से ज्यादा लीव मिल रही है आप कैलकुलेशन करोगे थर्टी इंटू ट्वेंटी आपका नंबर ऑफ लीव अलाउड तो अगर 30 से ज्यादा भी है तो जो कैलकुलेशन करोगे आप वो कितने पे करोगे 30 और अगर 30 से कम है या डॉट थर्टी है तब तो कैलकुलेशन आपको थर्टी पे ही करना है इंटू नंबर ऑफ डेज अलाउड तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ लीव अलाउड माइनस लीव ऑलरेडी टेकन तब बनेगा बैलेंस लीव लीव क्रेडिट का फॉर्मूला सिंपल है बैलेंस लीव इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय थर्टी यस सैलरी का मतलब क्या है बेसिक प्लस डी ए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्न ओवर लीव लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाई थर्टी रिलीफ अंडर सेक्शन आल्सो अवेलेबल इज दैट डन चलिए चेक एनी क्वेश्चन इज पेंडिंग आई गेस क्वेश्चन नंबर वन इज ओनली पेंडिंग यस चलो गो फॉर इट Assume not opting for 115 BAC. Start. पेड इन कैश लास्ट का वर्ड कट कर दीजिए पेड बाय अकाउंट पे ही क्रॉस चेक रखिए छुड़ है ट्राई कर रहे हो भाई साब करूँ ट्राई 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 कुछ नहीं होता गलत होगा और कुछ नहीं होगा ऐसा करूँ क्या भाई जी रो तुम जाना हो पाएगा कर लू के अरे कर लू के क्या होगा रे तुम्हारा कैसे होगा छोड़ो तुमसे ना हो पाएगा सबसे पहले आता है सैलरी दैट्स सिक्स लाख, फिर आता है डीए, दैट्स टू लाख फोर्टी थाउजेंड देन ट्रांसपोर्ट अलावेंस थर्टी सिक्स थाउजेंड मोटर कार ज इट ट्वेंटी एट एट हंड्रेड सर ड्रिवन बाई एम्प्लॉ लिखा है तो शॉफर नहीं है नील लोन फ्रॉम आर पी एफ नील लोन इज नॉट एन इनकम लंच, नाइन थाउजेंड इज टैक्सीबल नंबर ऑफ डेज लंच इज प्रोवाइडेड इज नॉट गिवन तो हम क्या जूम करते हैं थ्री हंड्रेड डेज बराबर है ना फिर हो गया ये लंच one two three four eight. ूटर नील योर ग्रॉस मैडम मेडिकल प्रीमियम पेड अच्छा उसको सैलरी में ऐड करेंगे क्या इज इट नाइन वन थ्री एट हंड्रेड इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे फिफ्टी थाउजेंड का 863, 800, ये हमारा हुआ टैक्सेबल सैलरी वो है? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D डी पूरा पंद्रह हजार दो सौ रुपए एट लाख फोर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड Total income while on tour on official duty. Notes Ligo, note number one Loan from RPF is not an income loan from rpf is not an income loan from rpf is not an income note number 2 computer provided computer provided is an exempted perquisite Third, accommodation for official purpose is not taxable. It is assumed lunch is provided for three hundred days. It is assumed lunch is provided for three hundred days. Is that done? थैंक you so much. यहां लेंगे अब एक और ब्रेक यहां तक हमने क्या कर दिया है रिटायरमेंट बेनिफिट का सिर्फ पी एफ छोड़ा है अदरवाइज सैलरी में सब कुछ खत्म कर दिया हमने अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचा है सैलरी के अंदर में और वो है प्रोविडेंट फंड हैव अ टी ब्रेक आराम से फिफ्थ कितना बजे अभी इलेवन ना फोर थर्टी फाइव अगेन फॉर द द नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन और लेक्चर इज हैव अ लिटिल ब्रेक चाय वाय पियो थोड़ा सा फ्रेश हो वापस आओ वापस एक सेशन लेंगे सैलरी खत्म करने के बाद हम एक यू नो नॉन हेड वाला चैप्टर चालू करेंगे ठीक है बाय बोलो